चलने लगा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। क्वेश्चन 9 कर रहा था और पॉइंट नंबर 7 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा था मैं। और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट था, इनकी वैल्यूज बताइएगा। रेंट में क्या लिखा हुआ था? बीडी कितना? इधर इधर और भी कुछ लिखा था? ठीक है ठीक है। और क्या लिखा था? बस चलें ये पूरा करके ना फिर एक और करते हैं। क्वेश्चन भूल माल गए होंगे तो दोबारा पढ़ लें। काफी नहीं है सेल्फ टेस्टिंग यही वाले दोबारा कर लें, बहुत है। मजीद टाइम कहाँ होगा आपके पास? ये क्या था? वर्किंग और था। ये मैंने क्या रखी थी? सेक्स होंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। थाउजेंड्स हैं शायद। सेल्स लिख ली थी? नहीं। ओपनिंग स्टॉक 215। परचेजेस भी नहीं लिखी अभी। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखा अभी ना। पॉइंट नंबर 8 रेंट। रेंट पे होता है क्वार्टरली इन एडवांस। फर्स्ट मार्च को, फर्स्ट जून को, फर्स्ट सितंबर को और फर्स्ट दिसंबर को। यानी रेंट वाला साल जो है वो फर्स्ट मार्च से 28 फरवरी तक चल रहा है। किराया बढ़ गया फर्स्ट सितंबर को कितना? 6000। और ये जो 6000 की फिगर है
ये एनुअल है, एनुअल एनुअल 6000 बढ़ा है। रेंट वाला किराया 1 मार्च से 28 फेब तक साल चल रहा है, जो रेंट वाला साल है। और इस पूरे साल, अच्छा हम कौन से साल को सॉल्व कर रहे हैं, 2018 फरवरी 18 और आगे 28 फरवरी 19। किराया दिया जाता था 1 मार्च को, 1 जून को, 1 सितंबर को और 1 दिसंबर को। इसी तरह फिर 1 मार्च को, 1 जून को, 1 सितंबर को और 1 दिसंबर को रेंट दिया जाता था क्वार्टर क्वार्टर करके। किस दिन रेंट बढ़ गया? 1 सितंबर 18। कितना बढ़ गया? 6000, एनुअल 6000 बढ़ गया। अब उसको पर क्वार्टर में देखें तो कितना बढ़ गया? 1500। कितना था जो बढ़ गया पहले? कितना था जो बढ़ गया? कैसे 12? बैलेंस शीट में ये जो बैलेंस शीट नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस में ये 24 आ रहा है। और अगर हम अपना अकाउंटिंग ईयर देखें, तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर बनता है इस सवाल में, हाँ जी, हमारा अकाउंटिंग ईयर बनता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 18 तक। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये हरा वाला अकाउंटिंग ईयर है। तो 2018 में जब साल शुरू किया तो 24 प्रीपेड आ रहा था। कितने महीने का प्रीपेड था? देखें डेट्स, देखें 1 दिसंबर 17 को पे किया हुआ था क्वार्टरली। कितने महीने के पेमेंट थी ये? 3 महीने की। 31 दिसंबर तक 2 महीने रहते थे अभी, तो ये वो 2 महीने का रेंट है। तो 1 महीने का कितना हुआ? 12000। तो इस वक्त रेट ये चल रहा था कि 1 महीने का रेंट होता था 12000। इसका मतलब पहले एनुअल रेंट होता था 144, और अब एनुअल रेंट हो गया 150। पहले 1 महीने का 12000 रुपए रेंट होता था, ये मैंने इस 24 को 2 से डिवाइड करके निकाला है। तो साल का एक 144 था, एनुअल रेंट पहले 144 था, 1 दिसंबर 18 से ये 144,000 एनुअल से बढ़ के 150,000 एनुअल बन गया। पहले तो ये 150 और 144 की फिगर देखिए, समझ आई कि नहीं? और अगर ये पेमेंट्स भी बना लें तो 144,000 था, यानी 12000 एक महीने का। पे कितना कितना होता था? 36 करके। तो 1 मार्च 17 को 36 ये वाला 37500 पे हुआ था। सितंबर ले। पॉइंट नंबर 8 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, मैंने सब सामने सारा नक्शा बनाया है जी। हाँ जी, उनकी मर्जी, 1 सितंबर से बढ़ा दिया उन्होंने किराया, हो गया होगा कोई महंगाई, कोई हुकूमत बदली होगी। और कैसे पता कि 1 मार्च से पहले का रेंट नहीं चल रहा था?
तो उसने बता दिया ना, 1 सितंबर से बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया। अब उसमें अगर हम कहें कि नहीं, उसने साल से पहले क्यों बढ़ाया, जब कह रहे हैं 1 सितंबर से बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया, सारा कुछ। ये जो मैंने इधर ग्रीन कलर का 2018 बनाया है, ये आखिरी बार ये 36 पे किया हुआ था। इसमें से एक महीना दिसंबर 17 में गुजर गया था, जनवरी और फरवरी 18 में आना था, इन दो महीने का ये प्रीपेड था। तो अगर दो महीने का 24 है तो एक महीने का 12, यानी पहले एनुअल रेंट इतना हुआ करता था। 1 सितंबर से ये एनुअल रेंट 6,000 रुपए से बढ़ के 1,50 हो गया, एनुअल 1,50 हो गया। लेकिन हम किराएदार होते हुए पे कितना करते थे, क्वार्टर क्वार्टर करके। तो अगर पहले महीना 12,000 का था तो हम 36 36 36 करके क्वार्टर का रेंट दिया करते थे, लेकिन अब वो रेंट 36 से बढ़ के 37.5 हो गया। 37.5 कैसे बनाया, 1.5 लाख साल का है तो डिवाइड बाय 4, एक क्वार्टर का आ गया। अब यहां से हमें काफी सारी चीजें निकालनी है, पेमेंट भी हमें यहीं से निकालनी है और क्लोजिंग प्रीपेड भी यहीं से निकालना है, क्योंकि पेमेंट्स का तो कहीं सवाल में कोई डाटा नहीं है। हमें इस सवाल में तो नहीं है ना रिसीट पेमेंट बना हुआ, हमें तो यहीं से खुद ही पेमेंट्स भी ढूंढनी है। तो अब ये हरे वाले अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट्स कौन कौन सी फॉल कर रही हैं, ये एक और है जो मैंने इधर मिस कर दी, ये इधर भी है एक। हाँ जी, ये 20 साल में है, ये 20 साल में है, ये 20 साल में, ये 20 साल में पेमेंट। तो इंश्योर रेंट की पेमेंट्स निकलेंगी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 147। और एग्जाम में वर्किंग आप बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, जैसे आपको समझ आए और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और इस आखिरी वाले 37.5 में से 2 महीने क्लोजिंग प्रीपेड, ये रेंट। ये कैलकुलेशंस ओके, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक हमने टी अकाउंट बनाया था, बैंक क्रेडिट। रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, चले आगे। पॉइंट नंबर 9, ये जो स्नूकर टेबल्स का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये है असल में 5 टेबल्स एक जैसी बिल्कुल। उनमें से एक ड्यूरिंग द ईयर बेच दी, इनमें से एक
अगर ये पांच है तो एक कितनी? 192। वर्किंग पता नहीं कौन सी। डिस्पोजल बनाया है क्या? नहीं बनाया ना। 12। कितने की बेची? 212। बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। पॉइंट नंबर 9, पहला सेंटेंस, इनफैक्ट पहले दो सेंटेंस, पॉइंट 9 पूरा कर दिया मैंने, पॉइंट 9 डन, पॉइंट 10 कर लें, पॉइंट 9 तक नोट कर लें, फिर बताता हूं पॉइंट 10। पॉइंट 10, स्नूकर टेबल्स की डेप्रिसिएशन 12.5% है और वो स्ट्रेट लाइन पे है, और फर्नीचर इक्विपमेंट की 20% रिड्यूसिंग पे है और फुल ईयर बेसिस। फर्नीचर इक्विपमेंट में फुल ईयर बेसिस है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, और स्नूकर टेबल रिमेनिंग जो बचा उस पर कैलकुलेट होगी। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 60। हाँ जी, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन ये दोनों मिलाएं कितने बने? 940 × 20% 188। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। फुल ईयर बेसिस है ना, पॉइंट 10 में लिखा हुआ है ना फुल ईयर। एडिशन पे पूरा साल, डिस्पोजल पे कोई नहीं। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन फुल ईयर है इसलिए इन दोनों पे मिला के पूरा साल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और ये फर्नीचर क्रेडिट 188। क्या इस डिस्पोजल तो नहीं है ना इधर? फर्नीचर में कहाँ है डिस्पोजल? तो भी तो डिस्पोजल मैंने फर्नीचर किया, डेप्रिसिएशन। स्नूकर टेबल हाँ जी, स्नूकर टेबल 12.5% स्ट्रेट लाइन है, ये तो कॉस्ट पे लगना है, तो कॉस्ट तो 960 नहीं है। इसकी डेट बताई हुई है,
स्नूकर टेबल्स कब खरीदी थी? स्नूकर टेबल्स बताता हूँ, वर्किंग 13 स्नूकर टेबल्स की डेप्रिसिएशन बता रहा हूं। ये जो 960 है ये पांच है, इनमें से एक तो बेच दी ना, तो डेप्रिसिएशन तो बाकी चार पे निकलनी है। ये जो बाकी चार हैं इनकी कॉस्ट में से 12.5% माइनस किया होगा, कितने साल गुजर रहे थे इसको? दो साल। दो, तो फिर ये 960 तो नहीं, ये देखें जो बेच दी वो तो गई, अब बाकी चार टेबल्स की बात कर रहा हूं, उन चार टेबल्स की बुक वैल्यू हो गई ना, तो उनकी कॉस्ट जितनी भी थी उसमें से एक्यूमुलेटेड माइनस की होगी तो ये बनी होगी। दो साल कैसे? 16-17 यहां से कॉस्ट निकालनी है। अच्छा दो दो कॉस्ट है, कैसे निकाल? कॉमन ले, चल ले ले। कितने हाई कॉस्ट? सोच रहे, मैंने पूछा कॉस्ट निकालनी है, ये रिवर्स ही किया मैंने। सर आप कह रहे हैं डिस्पोजल हुआ तो ठीक है, पिछले सालों में तो था ना वो ऐसे, तो हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाल रहे हैं ना, हम उन चार टेबल्स की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, ये मैंने रिवर्स ही किया है, हैं? मैंने रिवर्स ही तो किया है, मैं बुक वैल्यू से कॉस्ट तक ही तो पहुंच रहा हूं। अच्छा इसकी एक जबानी वर्किंग भी बताता हूँ, 12.5% एक साल, दो साल के कितनी हो गई? 25%, तो ये जो अभी बुक वैल्यू है ये 25% के बाद है, ये 75% है, तो कॉस्ट कितनी हुई? इसको 75% से डिवाइड कर दें, 10-24। अब ये निकल आई कॉस्ट, उन चार टेबल्स की है ये, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लें 1024 का 12.5%, ये है स्नूकर टेबल्स की डेप्रिसिएशन। पांच में से एक बेच दी तो बाकी चार ही हैं जिनकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकलनी है, ये उन चार की बुक वैल्यू बाकी, उसकी मैंने कॉस्ट क्यों निकाली, क्योंकि 12.5% कॉस्ट पे लगना था, तो उससे पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 12.5% कॉस्ट पे लगाना है, तो आपके पास कॉस्ट तो नहीं है तो बुक वैल्यू है, तो इसलिए पहले कॉस्ट तक जाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और स्नूकर टेबल क्रेडिट, क्या जी समझ नहीं आई बात? हाँ तो फिर आपको एक्यूमुलेटेड अलग से दी होती ना, ओपनिंग बैलेंसेस में फिर एक्यूमुलेटेड आ रही होती अलग से, नहीं आ रही तो फिर ये बुक वैल्यू है। क्या जी? हाँ तो मैंने उन चार की ही कॉस्ट निकाली है, ये उन चार टेबल्स की बुक वैल्यू है, 960 पांच की है तो मैंने चार की लिखी, ये उन चार टेबल्स की बुक वैल्यू है, मैंने उन चार टेबल्स की कॉस्ट निकाली है,
किस मुश्किल में फंस गए? टेबल बना के क्या किया? हाँ कॉस्ट को 100 लेके उसमें से 12.5 माइनस किया। अच्छा फिर से एक बार और 12.5 माइनस किया तो जो आया फिर उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है 75% किया। ठीक पॉइंट 10 डन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में और ये स्नूकर टेबल क्रेडिट। चले सवाल की चीजें हो गई पूरी, अब वर्किंग समेटते हैं। जी क्या वो कर नहीं लिया हमने? नहीं रिसीट सीडी बीडी सब कर लिया ना? हाँ तो वो तो अकाउंट समेटेंगे ना, बीडी सीडी रिसीट्स हैं तो बाकी बैलेंस करके इनकम ही निकलेगी ना। वर्किंग टू क्या थी? वर्किंग टू क्या बनाई थी? हाँ जी लाइफ मेंबरशिप, उसका बीडी लिखा हुआ है, सीडी लिखा हुआ है, रिसीट्स भी लिखी हुई है। अब इनकम निकल आएगी, इसको बैलेंस करें इनकम और इनकम्स में लिख दें। वर्किंग टू लाइफ मेंबरशिप फंड था, उसमें बीडी लिखा हुआ है, सीडी लिखा हुआ है, रिसीट्स लिखी हुई है। बैलेंस करेंगे तो इनकम बन जाएगी। सब्सक्रिप्शन नहीं कह रहा मैं, जो लाइफ मेंबरशिप फंड था उसकी बात कर रहा हूं। हाँ जी आएगा क्या यार, मैं तो खत्म कर रहा हूँ ये चैप्टर। हर सवाल में हम यही काम कर रहे हैं बार बार। लाइफ मेंबरशिप फंड के अकाउंट में बीडी है, सीडी है, रिसीट्स हैं, तो क्या बनेगी बैलेंसिंग फिगर? इनकम कहाँ लिखें उसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दें। और सीडी को क्या करें? बैलेंस शीट में कहाँ देखें? बैलेंस शीट देखें, जो इक्विटी का पोर्शन है ना और बाकी फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, जितने भी फंड होते हैं वो यही आ रहे होते हैं। हम एक बना रहे होते हैं कैपिटल फंड, जिसका ओपनिंग बैलेंस क्या निकला था? 302। इसमें सरप्लस ऐड करेंगे और इसके अलावा भी कोई फंड है तो वो यहीं पर बस फंड के नाम से ही आ रहे होंगे। जैसे ये लाइफ मेंबरशिप फंड आ जाएगा कितना? 1836। तो जो फंड के नाम आ रहे होंगे वो इधर लायबिलिटी से ऊपर ही आ रहे होंगे, तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी से ऊपर लाइफ मेंबरशिप फंड। वर्किंग टू बीडी सीडी रिसीट्स लिखी थी, उसको बैलेंस करें इनकम बनेगा और उसका सीडी यहां बैलेंस शीट में लायबिलिटी से ऊपर लाइफ मेंबरशिप फंड ये 1836 आएगा। वर्किंग थ्री क्या बनाई थी? सब्सक्रिप्शन का बीडी सीडी रिसीट सब लिखी हुई है, इनकम बन जाएगी, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखें और दोनों सीडी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन एडवांस ये बैलेंस शीट में लिख दें। ये वर्किंग्स कुछ आगे पीछे नहीं कर दी आप लोगों ने? वर्किंग थ्री क्या बनाई थी मैंने? अच्छा ठीक है ठीक है। वर्किंग थ्री बनाई थी सब्सक्रिप्शन, उसमें बीडी सीडी रिसीट्स लिखी हुई है, वहां से इनकम निकलेगी। कैसे निकल आएगी इनकम? क्या कर रहे हैं? बैलेंस करके इनकम निकल आएगी, उस इनकम को इनकम्स में लिखे। कितनी निकली इनकम? 995।
उसको इनकम्स में लिखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये जो क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग रिसीवेबल है ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में लिख दें। यहां तक पहुंचे फिर आगे बताता हूं। वर्किंग थ्री तक, वर्किंग फोर, ये रेंट बीडी है, पेमेंट्स है, सीडी है, एक्सपेंस निकलेगा कितना 146। रेंट एक्सपेंस में लिखें और क्लोजिंग प्रीपेड करंट एसेट्स में लिखें। अच्छा एक पॉइंट रहता है वो मिस हो गया था, पॉइंट नंबर वन पे आए, ये सीडी सीडी तो लिख लें, पॉइंट नंबर वन, जल्दी बचत हो गई, ये अकाउंट तक पहुंचे नहीं थे अभी। पॉइंट नंबर वन, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का सीडी लिख लें, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाया हुआ था, ये उसका सीडी आ गया। कैंटीन के क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का सीडी लिख लें, पॉइंट नंबर वन। और कैंटीन का स्टॉक इधर लिखें, कितना 2 4 और करंट एसेट्स में लिखें। पॉइंट नंबर वन से तीन क्लोजिंग बैलेंसेस लिखें, एक इलेक्ट्रिसिटी पेबल का सीडी लिखा, एक क्रेडिटर्स का सीडी लिखा, और एक ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा जो यहां लिखेंगे और करंट एसेट्स में लिखेंगे। चले अब वर्किंग फोर हो गई, वर्किंग फाइव ये अभी रहती है, वर्किंग सिक्स, ये यहां से क्या निकलेगा सीडी कितना 640, कहां लिखें नॉन करंट एसेट्स में, इधर भी यही सीडी निकलेगा 752, ये दोनों नॉन करंट एसेट्स में लिखने जाके। स्नूकर टेबल्स और फर्नीचर नॉन करंट में लिख लें सीडी, Thank you.
नहीं क्योंकि हम वो तो चीज़ जल के ज़ाया होगी ना, तो वैसे अब एक इस क्लब का एक्सपेंस है। ट्रेडिंग से जो हम कमाना चाह रहे हैं वहाँ पर तो उसको रखना ठीक नहीं है। ट्रेडिंग तो ये है जो बेच रहे हैं उस पर कितना कमा रहे हैं। वर्किंग 7 तक, वर्किंग 8 क्या है? बैंक, बैंक में सीडी गिवन है? नहीं गिवन, तो फिर सीडी निकाल लें। नहीं, वर्किंग 7 तक पहुंच गए, इधर उधर गुमराह हो गए सारे। वर्किंग 7 तक, वर्किंग 8 में बना हुआ है बैंक, बैंक का बीडी लिखा हुआ है, चुन चुन के कहीं ना कहीं से रिसीट्स लिखी हैं, पेमेंट्स लिखी हैं, तो बस सब्सिडी निकाल लें। हाँ जी चले ठहर जाए, अभी ठहर जाए। वर्किंग 9, इलेक्ट्रिसिटी का बीडी है, सीडी है, पेमेंट्स है, एक्सपेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख लेगा, उसको एक्सपेंसेस में लिखें और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल को करंट लायबिलिटीज में लिख दें। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल बीडी लिखा हुआ था, पेमेंट कल तक लिख ली थी, सीडी अभी आज लिखा है, ने को कहा है, और उसको बैलेंस करेंगे तो एक्सपेंस निकलेगा कितना? 275। इसको लिखें एक्सपेंसेस में और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल को लिख लें जाके करंट लायबिलिटीज में। वर्किंग आगे क्या, कहाँ तक पहुंच गए? वर्किंग 10 क्या है? वर्किंग जी क्या हुआ? हाँ 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 जी, कैंटीन की वेजेस, ओपनिंग लिखा हुआ है, क्लोजिंग लिखा हुआ है, पेमेंट्स लिखी हुई है, तो एक्सपेंस आ जाएगा। किधर आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा। कितनी? 130। ये कैंटीन की वेजेस, ये सेल्समैन की वेजेस है। कैंटीन का ट्रेडिंग बनाया हुआ है ना, तो कैंटीन के वेजेस यहां आएंगे और उसका सीडी करंट लायबिलिटीज में लिख लें। जी 11, करंट लायबिलिटीज में कैंटीन का वेजेस पेबल आ गया। वर्किंग 10 तक है? क्या हो गया? गंद क्यों मच गया यार, ना गंदे काम किया करो, क्यों मच गया? जी ये इधर लिखा ना, कैंटीन वेजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखता ना, ये लिखा है मैंने इधर कैंटीन के ट्रेडिंग में। वर्किंग 11, क्रेडिटर्स, बीडी है, सीडी है, पेमेंट्स हैं, परचेजेस निकलेगी, परचेजेस डेबिट कितनी? 5, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट और क्रेडिटर्स का सीडी करंट लायबिलिटीज में लिख दें।
क्रेडिटर्स का सीडी करंट लाइबिलिटीज में वर्किंग 12 गेन आ रहा है, कहां लिख लें? इनकम्स में लिख लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में लिख लें। गेन ऑन डिस्पोजल यहां आ गया, आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? बैंक रहता है और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन रह गया और बैंक ओपन रह गया, अभी बाकी सारे टी अकाउंट क्लोज कर दिए। ठीक है, साथ हैं? इधर क्या है जी? इधर से क्या क्या पता चल रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 504। पॉइंट नंबर 4, पिछले साल तक कैंटीन 20% ग्रॉस प्रॉफिट कमाता था, इस साल उन्होंने सेल प्राइसेस 10% से बढ़ा दी, तो ग्रॉस प्रॉफिट अब 30% हो गया। हाँ जी, देखें पहले 20% जीपी था, अब सेल प्राइस 10% और बढ़ा दी तो जीपी 30% हो गए। हाँ जी, 20% से ग्रोथ करके 20% से ग्रोथ करके किसको 20% से ग्रॉस करके? हाँ जी बिल्कुल ठीक है शाबाश, दोबारा सुने। पहले हम जितने प्राइसेस, जितने की भी सेल प्राइसेस होती थी 20% जीपी कमाते थे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होती थी? 80%। अगर 20% कमाते थे तो कॉस्ट ऑफ सेल 80% होती थी ना। अगर सेल प्राइसेस उतनी ही रहती तो इस दफा सेल्स हम कितनी कर रहे होते? 504 को 80 से डिवाइड कर दो। अगर प्राइसेस चेंज ना होती तो इस बार हम इतनी सेल्स करते, ठीक है, लेकिन हमने सेल्स को और महंगा कर दिया। कितना महंगा कर दिया? 10%। क्या करूं? ये कैलकुलेशन आई समझ? पक्की बात है? दोबारा समझा देता हूँ, यूनिटरी मेथड है कि अगर ये इतना है तो इतना कितना होगा। लास्ट ईयर हम जो चीज 100 रुपए की बेचते थे वो हमें 80 रुपए की पड़ती थी, तभी 20% डीपी था ना। नेक्स्ट ईयर यानी इस ईयर वही चीज जो हमें 180 रुपए की मिलती थी अब हम कितने की बेचेंगे? 110। शाबाश, तो ये 80 है तो 110 कितना होगा? 80 से डिवाइड 110 से मल्टीप्लाई 6 9 3, और ये पैसे सारे बैंक बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट है। अब बैंक का सीडी आएगा, और यहां से जीपी आ जाएगा, माने 89 57, और ये ट्रेडिंग का प्रॉफिट है
ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स में आ जाएगा। बैंक का सीडी कितना निकला? 1094। कहाँ लिख लें? करंट एसेट्स में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करें, सरप्लस आएगा बैलेंस शीट में लिखें और इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली हो गई होगी। करें क्लोज इसको। बहुत सारे मसले होंगे। सवाल पूरा कराना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, अभी एक सवाल पूरा कराना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ क्या बस एक सवाल करना है अभी और। हाँ जी, बैलेंस शीट टैली हुई है वाकई सच्ची? yes.
चले जी एक और सवाल पढ़े लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू टू नहीं सॉरी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑटम 21 पढ़े करता हूं कोशिश करते हैं क्या जी 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 बिल्कुल होगा सवाल मैं ये पूरा कराने की कोशिश कर लूँ Thank you.
हाँ जी, हाँ जी, अकाउंटेंट चोरी चोरी कर रहा है इसमें? कर गया। कैसे पता चल रहा है? पहली लाइन से भी पता चल गया। और ये जो पॉइंट नंबर 7 है ना, इससे भी हिंट मिल गया। अगर पहली लाइन में ना भी लिखा होता तो भी इससे हिंट मिल जाता। एक इंश्योरेंस करवाई हुई है जो 2 मिलियन तक की कैश चोरी को कवर कर रही है, तो इससे भी हिंट मिल रहा है। तो इसमें ये कैश चोरी वाला सवाल आ गया, और वो भी उसने बड़ी ना फनकारियां लगाई एक दो तरह से। और बाकी रिक्वायरमेंट वही इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो करते हैं पूरा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पेज बनाए, बैलेंस शीट पेज बनाए, जगह छोड़े, जल्दी 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 जी। कौन पुलिस करेगी? तो इंश्योरेंस कंपनी भी ये पैसे ऐसे नहीं दे देंगे ना। असल देखें, इस तरह तो हम खुद पैसे खा पी जाएं, इंश्योरेंस वाले से कहिए चोरी हो गए, तो वो पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका FIR की रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ, पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह फॉलोअप करेंगे इंश्योरेंस वाले, नहीं बचेगा, वो पकड़ा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना दें पेज पे, और नॉन कह रहा हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दे जल्दी जल्दी। यार बड़ा स्लो आप लिखते हैं ना, इसलिए सवाल रह जाता है होने से। लिखे 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 जी जी। अगर अकाउंटेंट ने पकड़ा ही ना तो वो चोरी करते ही क्यों? अच्छा सवाल है। बहरहाल बनाए बैलेंस शीट। जल्दी, पिछले साल की प्रॉपर बैलेंस शीट है? नहीं है। पहला साल तो नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल पहला साल नहीं है। तो फिर ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं।
ढूंढने शुरू करें जी कहाँ कहाँ हैं। पहले ही पॉइंट में एक तो कैश और बैंक का बैलेंस मिल गया, ओपनिंग बैलेंस ये मैं कर रहा हूँ 21 ओपनिंग बैलेंसेस जी। अच्छा इसमें ना कैश चोरी हुआ है और कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी अलग अलग बताया है, लेकिन हम कैश और बैंक का अकाउंट अलग बना नहीं सकेंगे, हमें कंबाइंड ही बनाना पड़ेगा। क्यों? हाँ जी, क्योंकि रिसीट्स और पेमेंट्स का जहां भी जिक्र है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि पैसे आए कहाँ हैं और गए कहाँ से हैं। आगे पॉइंट्स जहां भी कहीं रिसीव पेमेंट्स हैं उसमें ये नहीं बताया कि चेक से पैसे आए हैं, चेक से गए हैं, कैश से आए गए हैं, तो इसलिए हमें मजबूरन रिसीट पेमेंट इकट्ठे ही रखना पड़ेगा। उनमें से कौन से वाले को बैंक में, कौन से वाले को कैश में समझेंगे? नहीं फर्क कर पाएंगे ना, तो इसलिए कंबाइंड ही चलाना पड़ेगा। तो कैश एंड बैंक कंबाइंड कितना? 2 पॉइंट मिला के बता रहे हैं, रुपीज 1000 में है, मिलियन में है, लेकिन ना ये फिगर्स हैं बहुत छोटी, तो आप उनको बड़ी फिगर कर लें, क्योंकि आगे वो पूरे पूरे रुपीज हैं, तो आप उनको 1000 में ही कर लें, 2500। और पॉइंट टू में कोई ओपनिंग बैलेंस? हाँ जी, सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस निकालनी पड़ेगी, तो ये भी बिल्कुल जो पिछले कुछ सवालों से करते आ रहे हैं, तो पहले साथ ही फिर हम सब्सक्रिप्शन की मेहनत भी खोल लेते हैं। अब इसमें महीनों का चक्कर ही खत्म हो गया, ईयर्स का, तो मेंबर्स को 3-3 साल के पैसे जमा कराने होते हैं, और जिस साल में ज्वाइन करते हैं उस साल के पूरे पैसे। The members are required to pay 3 year subscription in advance upon admission. कि जैसे ये जिस साल में चाहे दिसंबर में क्यों ना ज्वाइन करें, उस पूरे साल की इनको सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, तो महीनों का मसला नहीं रहा। इसी वजह से ना उन्होंने कई महीने भी ऐसे नहीं बताए कि किस महीने में किसने ज्वाइन किया है। हाँ इतना ज़रूर है कि जो जब ज्वाइन करेगा वो 3 साल के पैसे देगा। अब इसमें से हम 2020 का BD निकाल रहे हैं, तो 2020 का BD निकालते हुए जिन लोगों ने 18 में सब्सक्रिप्शन ली थी उनका 18 गया, 19 गया, एक साल रह गया, कितने लोग थे 18 में? 100 पैसे थे उनके, 60, और उनका एक रहता था। और इसी तरह से 19 वाले कितने लोग थे? 140 इंटू 75 इंटू 2/3। जिन लोगों ने 2018 में पैसे दिए थे उनका 18, 19 गया, 20 में एक साल रहता था, और जिन्होंने 19 में पैसे दिए थे उनका बस एक साल गया, 2 बाकी रहते थे, तो इनको मिलाएंगे तो BD बनेगा। दोनों मिला के 5500। नहीं, 9000। ये हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख ली, 9000। और अभी ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम यहीं ही पूरा कर लेते हैं जैसे पिछले 2 सवालों में कर रहे थे। अब 2020 एंड हो गया, 18 वाला तो गया, 19 वाले का एक रह गया, 140 इंटू 75 इंटू 1/3, और 20 में कितने लोग आए? 160। जी जी जी, 20 में 160 लोग आए हैं, लेकिन इनमें से सब ने पैसे दिए हैं? 10 मेंबर ने पे नहीं किया। हाँ जी,
10 ने पे नहीं किया और 3 ने पे, तो इन 160 में से 10 ने पे नहीं किया। अच्छा ये ना पॉइंट अच्छा है, जरा होश से बैठिए। बीडी वाली बात क्लियर हो गई, अब मैं सीडी समझा रहा हूं। ये जो 160 नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे हुए हैं उसके नीचे कहा है ड्यूरिंग 2020 10 मेंबर्स ने मेंबरशिप ली जरूर है लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो इन 160 में से 10 हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, तो ये 10 इन 160 के अलावा हैं। चलें ये 10 तो हो गए अलावा, और इन 10 ने चूंकि पैसे नहीं दिए तो क्लोजिंग रिसीवेबल 10 × 90,000। जी क्या हो गया? देखें जो 10 लोग जिन्होंने ज्वाइन किए हैं उनका रेट सब्सक्रिप्शन का तो वही है ना जो बाकियों का है। इसने स्पेशल परमिशन ली है, इसने पैसे नहीं दिए अभी। देखें हैं कौन से, मैं बताता हूं। ये जो ऊपर टेबल में रुपए दिए हुए हैं ये पर ईयर 60,000, 75,000, 90,000 है, नहीं ये 3 साल के हैं, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। 2020 वालों में से जो 160 लोग हैं इन्होंने तो पैसे दिए हैं क्योंकि इस टेबल से ऊपर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जिन 10 लोगों ने नहीं दिए, अगर देते तो कितने देते, 90,000 ही देते ना, तो उन 10 पे रेट वही 90 ही लगेगा। लेकिन हम पूरे 90 को रिसीवेबल बना लें। देखें अगर उन्होंने पैसे सब दे दिए होते फिर उसमें से एडवांस हम अलग करते, उसने दिए ही नहीं है पैसे, तो रिसीवेबल कितने साल का बनाए, सिर्फ इस साल का। कितना 300। ये 300 वाली बात समझ आई। पांच लोग और थे जिन्होंने इन्फॉर्म किया कि वो जो कैशियर भागा है उसने पैसे पकड़ लिए हुए थे इनसे। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर फिर ये 5 लोग शामिल हैं? नहीं। तो ये जो 160 लोग हैं इन्होंने तो पैसे दिए हैं, 5 और हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं लेकिन हम तक पहुंचे नहीं है, तो उनको हम ये कह दें कि भाई तुम्हारा तो काम नहीं बना, तुम तो भूल जाओ हैं? नहीं, वो तो पैसे दे चुके हैं और वो तो अपनी तरफ से पूरे 3 साल के पैसे पकड़ा चुके हैं, उन्होंने पूरे पैसे दिए हैं, तो उनके लिए जब पूरे पैसे आ चुके तो हमारे लिए क्लोजिंग एडवांस में वो 5 लोग भी होंगे, तो 165 लोग। ये सब्सक्रिप्शन वाला सारा पॉइंट दोबारा सुने। मैं अभी ना पहले 2 सवाल में भी यही कर रहे थे कि चूंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड काम था तो सारी वर्किंग अभी ही कर लेते हैं वरना फिर अगले पॉइंट तक जाते जाते भूल जाते हैं। जो 2018 में आए हुए लोग थे उन्होंने 18 में पैसे दिए थे, वो 18 और 19 इनकम बन गई थी, 20 के स्टार्ट पे 1 साल पेंडिंग था बस एडवांस। जो लोग 19 में आए थे उनकी 19 में इनकम बनी थी, 20, 21 2 साल रहते थे, ये वो, ये हो गया ओपनिंग एडवांस। इन्हीं लोगों में से इस साल गुजर जाने के बाद भी जो एडवांस बचा हुआ है वो क्लोजिंग। 18 वालों के पूरे 3 साल हो गए, 19 वालों का 19-20, 2 साल गुजर गए, 1 रह गया, और जो 20 में आए हैं उनके 2 साल रहते हैं, ये वो 2। इनमें से 160 ने हमें पैसे दिए हैं और 5 ने उस कैशियर को दिए, लेकिन दे तो दिए ना, तो वो पूरे 165 लोग हमारी लायबिलिटी। करते हैं ना, अभी मैंने सीडी लिखा है। कितना जी? 1, 3, 4,
अच्छा, इसके लिए मुझे चूंकि ना अब एंट्री करने के लिए मुझे दूसरा अकाउंट भी चाहिए, तो मैं इसको अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, बाकी के साथ करता हूँ। ओपनिंग हमारा रिसीवेबल एडवांस आ गया 9000, और ओपनिंग बैलेंसेस किधर हैं? पॉइंट नंबर 3 में कोई ओपनिंग बैलेंस? किस चीज़ का ओपनिंग बैलेंस है? डोनेशन का? डोनेशन का ओपनिंग बैलेंस कब होता? हाँ जी, आपको जब डोनेशन सिखाई थी ना, तो उनमें कहीं लेक्चर नोट्स में देखिएगा, उनमें मैंने कहा था कि किसी एक्सपेंस के लिए खास तौर पे जो फंड है, डोनेशन वाला लेक्चर खोलिएगा अगर है अभी तो, शायद उसी में लिखा था या उसके उसी में कहीं डोनेशन में कहीं बताया था मैंने। उसकी मिसाल मेडिकल फंड दी थी कि अगर डोनेशन मिल रही है किसी और फंड के लिए, मेडिकल फंड क्रेडिट वाला, कि किसी और फंड जो कि किसी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बनता है, तो कैश डेबिट और फलाना फंड क्रेडिट, और जब उसमें से खर्चे होंगे तो वही फलाना फंड डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट। तो हमें ना कुछ लोग डोनेशन देते हैं इस गोल्फ कोर्स की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो ये वही मेडिकल एड फंड वाली बात आ गई। तो रिपेयर मेंटेनेंस फंड के लिए ये लोग पैसे दे रहे थे। अब वर्ड यहां पर फंड नहीं लिखा हुआ, लेकिन डोनेशन मिल रही है रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा करने के लिए, जिसमें से कुछ खर्चे इस साल हो रहे हैं, तो ये वही फंड वाली चीज आ गई जो मैंने मेडिकल फंड एक मिसाल दी थी, तो इसमें अब वो रिपेयर मेंटेनेंस फंड हो गया। पिछले साल तक कितने पैसे मिल चुके थे? 8 मिलियन। पिछले साल तक कितना खर्च हो चुका था? तो पिछले साल इस फंड में बैलेंस कितना आ रहा होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड 8 में से कितना जी? 2.2 खर्च हो चुका था, तो इस फंड का बैलेंस रह गया था 8.5। नहीं, ये भी एक फंड है, मैंने कहा था लायबिलिटी से ऊपर फंड 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 जितने भी हैं उसमें आ जाएंगे, लेकिन अभी बीडी निकला है जी। नहीं, इस वाली डोनेशन को नहीं, इनकम में लेके जाते ना। क्या कहा होता पॉइंट, तो बस फिर वो इनकम होती। पॉइंट नंबर 4 से कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं, ये इस साल ही हमने किट्स बेचनी शुरू की हैं, तो इसमें तो ओपनिंग कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 5 इसी का बीडी वो जीपी वगैरह बता दिया। पॉइंट नंबर 6 रिसीव पेमेंट्स हो गई। पॉइंट नंबर 7 में इंश्योरेंस का बता दिया। पॉइंट नंबर 8 अच्छा मिस कर गए ना हम, पॉइंट नंबर 6 पे आए दोबारा। पॉइंट सिक्स पे रिसीट पेमेंट्स हैं, उनके साथ ब्रैकेट में लिखी हुई एक बात, सैलरीज के साथ देखिए कि इस साल जो हमने सैलरीज पे की हैं उसमें से 3.5 लाख वो हैं जो 19 से रिलेटेड थी, तो फिर 19 में क्या था वो पेएबल। कैसे सोचते होंगे सवाल है? ये पॉइंट समझ नहीं आया किधर है, कौन है, कहाँ है, क्या समझ नहीं आया है? और पॉइंट नंबर 8 में
फिक्स्ड एसेट्स हैं कितने 25,000। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कैपिटल फंड निकल आएगा। जी कितना 1,2,3,5,0। अगला काम चले जितना भी होता है, कैश एंड बैंक बीडी 2500, सब्सक्रिप्शन बना लिया, रिपेयर मेंटेनेंस फंड 5800, सैलरीज 350, फिक्स्ड एसेट्स 25,000 और किधर है, और कैपिटल फंड ये लिख लें बैलेंस शीट में। क्या हो गया, क्यों नहीं चल रही है मेरी क्लास यार? अगला काम ट्रांजैक्शन पॉइंट नंबर 1, सीडी बैलेंस है एंड पे लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, रिसीट्स मैं एंट्री बनाता हूं। अगर ये जो 5 लोग हैं इनका पैसा भी हम तक पहुंचा होता तो कैश डेबिट और ये सब्सक्रिप्शन हो जाती क्रेडिट। 165 लोग इंटू 90,000 कैश डेबिट, ये क्रेडिट कितना 1,4,8,5,0। लेकिन 160 लोगों का तो पैसा पहुंचा, 5 का नहीं पहुंचा, 5 का किधर गया? वही वो कैश चोर ले गया। तो कैश 160 लोगों का पहुंचा, 5 लोगों ने कहा कि हमने पैसे उसी को दिए थे डायरेक्टली, तो इट वॉज फाउंड के जो पैसे हैं वो वही अकाउंटेंट ले गया हुआ है। तो आप या तो ये भी कर सकते हैं कि इसको कैश में डेबिट ले लें, जब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। ऐसे ही कर लें, ऐसे ही कर लें, यानी 165 का ही कैश ले लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे भी यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है कैश लॉस, तो यहाँ ज्यादा पैसा आया होगा तो वो बैलेंसिंग में हो जाएगा कवर। बट ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो रिसीट्स में आ जाएगा 1,4,8,5,0।
14850। इतनी प्रैक्टिस करा दी है इस चैप्टर में। हाँ भी ऑनलाइन वाले इतनी प्रैक्टिस करा दी क्या हो गया कल कौन से स्टैंडर्ड गए थे बस कल वही करेंगे ना कल अगर कंफर्टेबली हो सका तो कल खत्म करूंगा एक्स्ट्रा क्लास रख के भी कंफर्टेबली हो सका तो कल खत्म कर दूंगा है जो एक्स्ट्रा क्लास अभी ये डिस्कस तो नहीं कर रहे अभी तो मैं सवाल कर रहा हूँ मशवरे दे रहे हैं ऐसे मैं तो भी वैसे ही जिक्र कर दिया था तो कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट पॉइंट नंबर थ्री बस ये पॉइंट थ्री कर ले ये फोर बड़ा अच्छा पॉइंट है ये मैं कल खत पूरा करूंगा पॉइंट फोर छोड़ के बाकी करता हूँ पॉइंट फोर और फाइव अच्छा पॉइंट है ये मैं खुद करूँगा थ्री और ये सिक्स और एट ये करता हूँ पॉइंट थ्री जी ये तो हो गया नहीं इस साल 2.8 मजीद खर्च हुआ है तो एक्सपेंस नहीं एक्सपेंस कहाँ से रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड डेबिट कितना 20 और ये क्रेडिट रिपेयर मेंटेनेंस के लिए डोनेशंस मिली थी तो उसको हमने उसके फंड में रखा वही मेडिकल फंड जब खर्चा करेंगे तो ये फंड डेबिट और कैश क्रेडिट पॉइंट नंबर थ्री डन पॉइंट फोर और फाइव में कल कराऊंगा अच्छा पॉइंट है पॉइंट नंबर सिक्स पेमेंट्स हैं या रिसीट्स भी हैं रिसीट्स भी हैं कैसे फर्क पता चलेगा कि कौन सी रिसीट है कौन सी पेमेंट है सोचना पड़ेगा पॉइंट नंबर फाइव में नहीं पॉइंट नंबर फोर का पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमने ना इस साल एक काम शुरू किया है कि गोल्फ किट्स बेचते भी हैं ये ट्रेडिंग एक्टिविटी आ जाएगी और किराए पे भी देते हैं गोल्फ किट्स किराए पे भी देते हैं पॉइंट नंबर सिक्स पहली पॉइंट ये रिसीट्स होंगी गोल्फ किट्स का किराया हमें मिला होगा कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट तो कैश में आ जाएगा डेबिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी है 650 गोल्फ किट्स किराए पे देते हैं तो उसका किराया मिला है कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स में लिख लें कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट जी ये गोल्फ किट की परचेजेस हैं ये उसी से लिंक्ड है पॉइंट फोर जो कल कराना है आगे इंश्योरेंस और इसमें से कुछ तो जबानी तोड़ सकते हैं तो जबानी तोड़ लें टी अकाउंट बनाना है टी अकाउंट बना लें वर्किंग सेवन इंश्योरेंस पेमेंट्स में कितना 660 लेकिन हमें यहाँ पता है कि इसमें से कितने महीने प्रीपेड हैं चार है कि तीन है टू तो इंश्योरेंस डेबिट और ये क्रेडिट इंश्योरेंस पेमेंट में आ गया कैश क्रेडिट और इसी ब्रैकेट से पता चल रहा है कि इतना क्लोजिंग प्रीपेड सैलरीज ये इधर कितनी 2800 ये डेबिट और ये क्रेडिट
Other expenses. एक्सपेंसिज हैं जस्ट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसिज डेबिट कर लें और यहाँ क्रेडिट कर लेते हैं। 2-3 करना। अच्छा ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो रूम चेंज करना पड़ा था, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ चेंज लग रहा है। पॉइंट नंबर पहुँच गए थे 4 और 5 रहता है, नहीं 8 भी कर लूँ मैं पहले। 7 क्यों लिखा है? जब कैश चोरी निकलेगी तो उसमें से इतना इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डालेंगे। और पॉइंट नंबर 8 15% डेप्रिसिएशन लगानी है, तो 15% डेप्रिसिएशन लगा दें भाई। 3-7 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और हैं जी पीपी क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। क्या जी? इनकम एक्सपेंडिचर क्या? जी जी वही कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। पॉइंट नंबर 4 और 5 बताने लगा हूँ और पॉइंट नंबर 6 में से ये परचेजेस छोड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 4, इस साल में गोल्फ किट्स बेचनी भी शुरू की हैं और किराए पे भी देनी शुरू की हैं। अच्छा, जो किट्स किराए पे देते होंगे तो वो फिर एसेट होंगी, नहीं उसको हम फिर अपना एसेट मान लें कि कॉस्ट ऑफ सेल मान लें कि क्या मान लें? देखें, अच्छा चलें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? तो वो हमारा एसेट होता है जिसको फिर हम रेंट पे दे देते हैं। तो फिर ये जो हमने किट्स रेंट पे देनी है ये हमारा एसेट नहीं हो गया? हो गया ना, तो पीपीई हो गया। हाँ भाई, अगर जनरेटर किराए पे दें, फर्नीचर किराए पे दें तो पीपीई है ना। वो तो बिल्डिंग है जो किराए पे दें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बाकी तो जो भी एसेट्स किराए पे दे रहे हैं और किराया कमाते हैं तो वो हमारा पीपीई है। तो बेशक इसी में डेबिट कर लें या अलहदा रख लें। जी बिल्कुल होगा, हाँ वो वही है आखिर में जो था वर्किंग 8। वो किट्स जो रेंट के लिए हमारे पास हैं ये हमारा पीपीई है। यहाँ पर बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें चूंकि वो कुछ इन्वेंट्री खरीदना बेचना शामिल है तो इसमें फिर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसलिए इसका अलहदा अकाउंट बना रहा हूँ, वरना ये हमारा पीपीई होगा। नहीं क्या है? दोबारा बोलो, हम जब कोई चीज रेंट पे लेते थे तो हम जो रेंट पे लेते थे उसकी डेप्रिसिएशन हमने कब चार्ज की है? जो हम एसेट किराए पे। अच्छा यार मैं ऐसे देख के बता देता हूँ,
आप दोनों में से जो मर्जी रख ले, जो एसेट हम किराए पे ले रहे होते हैं उसकी डेप्शन कब चार्ज कर रहे होते हैं? एफआर टू में करेंगे जाके, एफआर टू में करेंगे, राइट ऑफ यूज एक एसेट बनाएंगे उसकी डेप्शन भी चार्ज होगी। लेकिन अभी तक जो एसेट किराए पे ले रहे हैं वो हमारा रेंट एक्सपेंस है बस, ये है जो हम अपने एसेट्स किराए पे दे रहे हैं। तो वो जो हमने किट्स खरीदी हैं और किराए पे देनी है तो वो हमारा पीपीई है, ये मैंने वो अकाउंट बनाया है। और वो जो किट्स खरीद के बेचनी है 40% प्रॉफिट पे, वो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। थाउजेंड थाउजेंड है ना, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर फोर समझा रहा हूं। CGC started purchasing golf kits in 2020 for sales as well as for rent purposes. जो इस साल चीज़ें खरीदी, किट्स खरीदी, उनमें से सब के पैसे नहीं दिए। 20% of the purchases were unpaid at year end. तो जो purchases की उनमें से 20% अब भी creditors हैं। इसको मैं यहीं रोकता हूँ। Point number six. गोल्फ किट्स परचेजेस, तो ये परचेजेस हैं, ये 80% है, क्योंकि जितनी परचेजेस की थी उनमें से 20% पैसे अभी भी देने हैं। तो पॉइंट नंबर सिक्स में तो बताए ही पैसे हैं जो दिए हैं, तो फिर ये 80% है जो हमने पैसे दिए हैं। इसको 80 से ग्रॉस करेंगे, टोटल परचेजेस निकलेंगी 4800 को 0.8 से ग्रॉस 6000। और ये जो परचेजेस हैं किट्स, वो ये वाली हैं या ये वाली हैं? पीपीई खरीदा है या गुड्स खरीदी हैं? ये टोटल हैं। पॉइंट नंबर फोर, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, टू थर्ड ऑफ द गोल्फ किट परचेजेस वो बेचने के लिए हैं और बाकी किराए के लिए, यानी 1/3 किराए के लिए। अब मैं इसकी एंट्री बनाता हूं। क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाए बगैर बता रहा हूं, अगर आपको वो समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बना दूंगा। 6000 की टोटल परचेजेस है ना, कैश क्रेडिट 48, बाकी 1200 पेबल्स, क्रेडिटर्स कहने क्रेडिटर्स कह लें, दो डेबिट होंगे, 2/3 इधर जाना है, 1/3 ये डेबिट होना है, यानी 1/3 हमारा यानी 2000 वो हमारा वो पीपीई डेबिट होना है और 4000 ये परचेजेस डेबिट होनी है। ये पॉइंट नंबर फोर है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। पॉइंट नंबर फोर की अंग्रेजी पढ़ लें और इस पॉइंट में कोई एतराज़ परेशानी है तो बताएं। ये फिगर कहाँ से ली? ये पेमेंट से। और पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है कि 20% अभी देने हैं, तो फिर ये 80% है जो दिए हैं। यहाँ से टोटल परचेजेस निकली और वो टोटल परचेजेस दो जगह डेबिट होनी है, इतना पीपीई में और इतना ये परचेजेस में, और जितना पे किया वो कैश और बाकी पेएबल। तो अब इसको मैं डबल एंट्री पूरी करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2000, परचेज कह लें, एडिशन कह लें, 6000 का 1/3 और यहाँ पर आएगा 4000 और कैश में क्रेडिट 4800 और बाकी 1200 करंट लायबिलिटीज में पेएबल फॉर किट्स। अगर क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो अकाउंट बना लें बेशक। ये एंट्री समझ आई?
तो 6000 में से 1/3 2/3 तोड़ लिया और जितना पे कर दिया वो कैश क्रेडिट और बाकी करंट लाइबिलिटीज। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट फोर डन। तो डन तो फिर क्या लिखे जा रहे हैं, नोट कर रहे हैं? हाँ तो आसान सवाल था कि मुश्किल था? पॉइंट नंबर 5, पहला सेंटेंस सेल्स के लिए है लेकिन हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे तो सेल्स निकलेंगी, तो इसलिए पहले दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। वो किट्स जो बेचने के लिए रखी थी उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1 मिलियन। अच्छा, अब इस चीज़ को भी ये फ्लो में कर जाएं तो कर जाएं, वरना थोड़ा गहरा पॉइंट है ये। इसको भी मैं कंपाउंड एंट्री करके बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? एंट्री रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बताई थी, स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि परचेजेस में वो खरीदी भी आ रही होती हैं, बेची वो नहीं होती। अगर परचेजेस में रहने दी तो वो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएंगी, तो हम उनको यहाँ से निकाल के बैलेंस शीट में ले जाते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होती है, क्रेडिट। अब हम इन 1 मिलियन की चीज़ों को यहाँ से तो निकाल ही रहे हैं, 1 मिलियन की चीज़ें बेची हुई चीजों का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो यहां से तो निकलना ही है, लेकिन आगे वो इन्वेंट्री में नहीं जा रहा। चूंकि वो कुछ खराब हो चुकी हैं तो हम उनको उनमें रखने लगे हैं जो किराए पे देनी होती हैं। वन मिलियन की टोटल हैं, इनमें से जो आधी हैं वो कुछ खराब हैं, बल्कि मैं इसको चलें कुछ नहीं, एक और तरीके से बताता हूँ। ये चूंकि अभी कल परसों किया तो उससे मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बेहतर बता लूँगा। 1 मिलियन का स्टॉक है, इस 1 मिलियन में से आधा खराब है, आधा हम बेचने वालों में पड़े रहने देंगे और बाकी आधा तो यहाँ से निकाल लेंगे ना। अच्छा, अगर ये रेंट वालों की बात ना होती, बस ये कहा होता कि 500 खराब हो गई हैं, 500 क्या बात कर रहा हूँ मैं, हाफ अगर लिखा होता है कि 500 फारिग हैं, बिल्कुल नहीं नहीं कोई बात नहीं, तालियों की खैर है। हम अगर 1 मिलियन में से हाफ यानी 500 के बारे में ये लिखा होता कि बस ये ख़राब हैं तो क्या करते? गुड लॉस टाइप चीज़ नहीं होती, अभी वो पिछले कंटीन वाले में किया था। तो क्लोजिंग स्टॉक तो 500 है, क्यों? आधा है जो यहाँ रखना है, बाकी आधा टाइप गुड लॉस समझ लें, क्योंकि यहां से तो गया। देखिए, अगर यहां क्लोजिंग स्टॉक है ना तो फिर अगली दफा वो ओपनिंग होगा, हालांकि अगली दफा तो ओपनिंग होगा ही 500, तो इसलिए क्लोजिंग 500, बाकी 500 ऐसे है जैसे खराब हो गया, तो वो भी हम यहां से निकाल देंगे। गुड लॉस टाइप चीज समझ लें, ये निकाल दिया यहां से। अच्छा, यहां से निकाल के किधर गया? यहां, लेकिन यहां से कितना निकाला? 500। यहां पर वो 500 नहीं आना, यहां पर आना है वो 500 के 30% पे, कितना?
150, तो यहां से 500 निकला है, वहां 150 गया है, तो बाकी क्या है? बाकी हमारा लॉस हो गया। कहां लिख दें इसको? एक्सपेंसेस में लिख दें। तो 350 लॉस इन वैल्यू हो गई, 150 यहां चला गया, 500 यहां से निकल गया। हाफ लिखा हुआ, हाफ 50% नहीं, हाफ। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किड्स। बस ये था जी पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 5 का पहला सेंटेंस, ये सेल्स निकालने के लिए ओपनिंग है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3000, और कॉस्ट प्लस 40% पे बेचते हैं, तो फिर ये 100 है, 3000 140 बाय 100 40, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अगर ये पीपीई है तो फिर डेप्रिशिएट भी होगा। लास्ट पॉइंट, लास्ट सेंटेंस, ऑल फिक्स्ड एसेट्स 15% पे, तो 2150 को 15% डेप्रिशिएट कर लें, 2150 15%, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी 2150 नहीं 2000, क्यों? ये तो ईयर एंड पे ट्रांसफर किए हैं, ये तो अभी ईयर एंड पे ट्रांसफर किए हैं ना, कितना 300 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और ये क्रेडिट। बस जी, अब समेटें सवाल को। पॉइंट नंबर 4-5 की अंग्रेजी पूरी पढ़ लें और देख लीजिए मैंने जो कहा है वो सब अंग्रेजी पढ़ के समझ आ रहा है या मैंने को गोलियां करा दी हैं। जी नहीं नहीं वो तो समेटता हूँ, वो समेटता हूँ ना, मैंने कहा पॉइंट 4 और 5 की अंग्रेजी समझ लें अगर कुछ। पॉइंट 4-5 की अंग्रेजी डन, पॉइंट 4-5 की अंग्रेजी ओके। चले जी इनको समेटता हूँ, वर्किंग 1 हो गई, वर्किंग 2, बीडी है, सीडी है, रिसीट्स हैं, इनकम कितनी 107,50। क्या करें? इसको लिखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स, और इन दोनों सीडीज को करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स। रिपेयर मेंटेनेंस फंड, क्या करें इसको? ये जो पिछले सवाल में लाइफ मेंबरशिप फंड था एक इक्विटी में कैपिटल फंड के नीचे, तो उसी तरह से रिपेयर मेंटेनेंस फंड आ जाएगा। जितने फंड्स हैं वो लायबिलिटी से ऊपर करके लिखते हैं। सैलरीज बीडी है, कैश है, बीडी है, कैश है, तो एक्सपेंस आ जाएगा। सीडी नहीं है तो ना सही, 2-4 कहाँ लिखें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लें। रुक गए जी, रुक गए, रुक गए।
बैंक बीडी हैं, रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं और सीडी भी है, सीडी है हाँ, 0.1 में दिया हुआ है, कितना 4200, बीडी भी है, रिसीट्स भी हैं, पेमेंट्स भी हैं, सीडी भी है, तो चोरी वाला सवाल है, तो इसमें फिर कैश लॉस्ट निकलेगा। जी कितना निकला 4620। अब इसकी डबल एंट्री देखें, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2000, कैश लॉस्ट एक्सपेंस 2620 और कैश क्रेडिट, ये कैश लॉस की एंट्री बताई थी ना आपको कल परसों, तो जितना इसमें से इंश्योरेंस मिल जाना है वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, जो नहीं मिलना वो एक्सपेंस है, तो कितना मिल जाना है 2 मिलियन। तो करंट एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2000, करंट एसेट्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश लॉस्ट 2620 और बैंक तो ये क्रेडिट हुआ ही हुआ है, और ये सीडी करंट एसेट्स में, इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपेंसेस में 440 इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स में, जो इधर उधर गुम हो गए हैं दोबारा सुन लें। बैंक की बैलेंसिंग फिगर निकाली 4620, इस 4620 में से कैश तो 4620 गया, 2000 इंश्योरेंस वालों से मिलना है, वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ जाएगा, डूबा फिर हमारा कितना, ये है जो एक्सपेंस बनेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस 2620, करंट एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2000 और बैंक तो ये क्रेडिट कर ही लिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस 440 प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स में 220। पीपी सीडी 18 और यहां से भी 21, ये दोनों चले जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में और ये प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग ये इनकम्स में आ जाएगा और इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली होगी। इसकी पूरी कवरेज कर लें, नॉन प्रॉफिट की बहुत हो गई है प्रैक्टिस, हाँ जी हो गया पूरा, चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़।